हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह नया साल बहुत खुशियां लेके आए, बहुत सक्सेस लेके आए और आपके रेजोल्यूशंस पूरे हों। तो इसी रेजोल्यूशंस के साथ चलते हैं हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स पे। आज हम बात करेंगे ओवरडेंचर की। ओवरडेंचर देखिए दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक हमारा होता है टूथ सपोर्टेड। ओवरडेंचर का मतलब क्या है कि ओवर का मतलब है ऊपर, डेंचर का मतलब है डेंचर किसी चीज के ऊपर है। तो डेंचर किस किस चीज के ऊपर होता है? गम्स के तो ऊपर होता है, ये सबको पता है। तो और किस किस के ऊपर हो सकता है? या तो दांत के ऊपर हो सकता है या हमारा इम्प्लांट के ऊपर हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेंचर इम्प्लांट के ऊपर है। हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स से हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो कि आज का पार्ट है, जिसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन कराएंगे इम्प्लांट सपोर्टेड ओवरडेंचर क्यों चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हम दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए, एक हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे ओवरडेंचर की मूवमेंट की। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं मैंडिबुलर ओवरडेंचर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप भी जानते हैं। मैंडिबुलर ओवरडेंचर्स मिश का क्या है, एक डायग्राम है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है ए बी सी डी ई और ऊपर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये डायग्राम जो है हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये डायग्राम क्लियर करने के लिए हमें ओवर डेंचर की मूवमेंट पता होनी जरूरी है। पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं है इसमें, पीएम जो है वो हमारा मूवमेंट होता है, प्रोसेसेस का मूवमेंट होता है। तो किस किस में मूवमेंट मूव करता है वो सब हम पढ़ेंगे, तो ही आपको नेक्स्ट पार्ट समझ आ पाएगा। तो अगर आप बात करते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर की, तो देखिए जब एक्सट्रैक्शन होती है उसके बाद क्या है, फर्स्ट ईयर आफ्टर एक्सट्रैक्शन कितना बोन लॉस होता है आप लोग जानते हैं, 4 मिलीमीटर तक जो है हमारा बोन लॉस होता है। इतना ज्यादा बोन लॉस हो रहा है तो डेंटिस्ट्री में भी कोई ना कोई एडवांसमेंट तो आएगी, ताकि हम जो है नुकसान ना करें, नुकसान ना हो हमारे टिश्यूज को, हम कैसे ना कैसे करके प्रिजर्व कर सकें। तो प्रिजर्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, तो इसलिए क्या आया हमारा इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर आया। अब इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर डालने के बाद, जो कि पहले 4 मिलीमीटर तक बोन लॉस हो रही थी, अब हो रही है 0.6 मिलीमीटर तक बोन लॉस एक साल में, नहीं देखिए 5 साल में इतनी बोन लॉस हो रही है। तो वर्टिकल बोन लॉस को जो है बचाता है। उसके बाद मैंडिबुलर डेंचर जो है वो 10 मिलीमीटर तक फंक्शन में मूव करता है। हम डेंचर की बात कर रहे हैं, 10 मिलीमीटर तक जो है फंक्शन में मूव कर रहा है डेंचर जो है, मूव करता है। 3 मसल्स है, मेंटालिस है, बक्सिनेटर है, माइलोहाइड मसल है, जो कि बोलने के टाइम पे डेंचर को क्या है, लिफ्ट करती है, सॉफ्ट टिश्यूज से लिफ्ट कर देती है। तो ये मूवमेंट को बचा रहा है, रिटेंशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके ओवर डेंचर, इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर कस जाता है हमारे मैंडिबल के साथ, हमारे मैक्सिला के साथ, बेसिकली हमारी रिज के साथ, और उतना स्टेबल हो जाता है कि वो मूव नहीं करता। अगर चूइंग की बात करते हैं तो 20% तक जो है चूइंग एफिशिएंसी इम्प्लांट सपोर्टेड ओवरडेंचर से होती है। और अगर ऑक्लूजल फोर्सेस की बात करें, कि जो पेशेंट पहले सॉफ्ट खाना खा रहा था, जो ज्यादा खाना खा नहीं पा रहा था, जो सिर्फ नॉर्मल भीगी रोटी या दाल रोटी पे चल रहा था, अब वो पेशेंट जो है 30% ज्यादा उसकी चूइंग एफिशिएंसी हो गई है। अब वो पेशेंट बहुत ज्यादा हार्ड खाना खा सकता है, 30% तो उसकी चूइंग एफिशिएंसी क्या है, इंक्रीज हो गया। जो पेशेंट गैग के पेशेंट्स है, देखिए डेंचर जो होता है वो बिल्कुल पोस्टीरियर तक, हम जो डेंचर देते हैं वो हमारा पोस्टीरियर तक जाता है, तो पीपीएस एरिया तक, पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया तक उसकी एक्सटेंशन होती है। तो बहुत सारे पेशेंट को क्या होता है, गैग होता है, बहुत सारे पेशेंट को उल्टी आता है जब भी सॉफ्ट पैलेट में टच होता है। तो उस केस में हम लोग क्या है, ओवर डेंचर दे सकते हैं। ओवर डेंचर जो है वो सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंशन को कम कर देता है, तो पेशेंट को क्या है, गैग रिफ्लेक्स, जैसे कि यहां तक हो गया हमारा, तो जैसे कि पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स जो है वो कम होता है। तो देखिए, आप बोलेंगे हर केस में हम इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर क्यों नहीं देते हैं, फिर कन्वेंशनल डेंचर क्यों दे रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर देना है तो हमें ज्यादा इंटर आर्च स्पेस चाहिए, दोनों रिजेस के बीच में हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, हमें अबटमेंट के लिए भी चाहिए, हमें डेंचर के लिए भी चाहिए। तो देखिए, अगर स्पेस होगी तो ही हम इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। और ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कॉस्ट का फैक्टर है। अगर पेशेंट ही पैसे नहीं देगा तो आप अपनी जेब से तो ओवर डेंचर नहीं बना के देंगे ना। तो आइए चलते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर में हम लोग सबसे पहले इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, यानी कि
एक हम लोग इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोसेसेस को फिक्स्ड में बात करते हैं, यानी कि ऐसी प्रोसेसेस दें जो फिक्स्ड रहे, जो पेशेंट निकाल ना सके, या फिर इम्प्लांट के साथ ऐसी प्रोसेसेस दें जो पेशेंट निकाल सके जो कि रिमूवेबल हो। ठीक है, अगर फिक्स्ड प्रोसेसेस की बात करते हैं तो फिक्स्ड प्रोसेसेस में आपके पास आएगा सबसे पहले FP1 प्रोसेसेस, FP2 और FP3 प्रोसेसेस। चलिए आइए FP1 पे बात करते हैं। देखिए ओवर डेंचर में फिक्स्ड प्रोसेसेस सबसे पहले FP1 है। एफ मतलब फिक्स्ड, पी मतलब प्रोसेसेस, कॉमन सेंस है। तो FP करते हैं तो इसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्राउन रिप्लेस होता है, जो कि फिक्स्ड, अगर आप सिंगल इम्प्लांट डालते हैं उसके ऊपर क्राउन लगाते हैं वो FP1 प्रोसेसेस है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है वो क्राउन रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारा मैक्सिलरी एंटीरियर में हम लोग यूज करते हैं FP1 प्रोसेसेस, जिसके अंदर अबटमेंट की हाइट हमारी 4 मिलीमीटर तक है। पोर्सिलिन का क्राउन देते हैं या फिर हमारा कोई भी नॉर्मल मेटल का क्राउन देते हैं। FP2 प्रोसेसेस की बात करते हो अगर आप, तो इसके अंदर क्या है, क्राउन है प्लस हमारा एक पोर्शन ऑफ द रूट है। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन ऑफ द रूट है वो भी क्या होता है, रिप्लेस होता है। पोर्शन ऑफ द रूट है वो भी रिप्लेस होता है। तो क्राउन जो है वो ऑक्लूजल हाफ में जब आप देखेंगे वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर आप जिंजाइवल हाफ की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा इलोंगेटेड या फिर हाइपर कॉन्टूर्ड क्राउन होगा। ये जहां पे हमारा अपाइकल टू सीजे जाता है, सीजे के नीचे जो क्राउन जा रहा है वो FP2 प्रोसेसेस है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमारा दिखना नहीं चाहिए, है ना, क्राउन तो बड़ा लगाते हैं हम लोग। FP3 प्रोसेसेस की अगर आप बात करते हो तो ये FP3 प्रोसेसेस में क्या है, अब क्राउन हो गया, रूट हो गया, अब क्या बचा है, तो क्राउन भी है प्लस जिंजाइवा भी है प्लस जो है हमारा इसके अंदर एडेंचुलस साइट के लिए भी हमारा एक पोर्शन है। तो हमारा पिंक पोर्सलिन से जो है हम लोग एडेंचुलस साइट बना देते हैं, तो इसके अंदर क्या है, एक या फिर एक्रिलिक का लगा लो आप, एक्रिलिक डेंचर दांत है, जिंजाइवा है, पोर्सलिन भी डाल सकते हैं हम लोग, पिंक पोर्सलिन से भी हम लोग जिंजाइवा वगैरह बना सकते हैं, या फिर मेटल का होता है। तो FP3 प्रोसेसेस के अंदर क्या है, दांत है, गम्स है और थोड़ा सा डेंचर बेस है और स्क्रू से कसा हुआ है। देखिए ये जो है फिक्स्ड है, ये पेशेंट निकाल नहीं सकता है, तो जो स्क्रू रिटेन्ड हमारा जो प्रोसेसेस होता है इम्प्लांट सपोर्टेड फुल आर्च, वो हमारा FP3 के अंदर आता है। अगर आप रिमूवेबल की बात करेंगे तो रिमूवेबल प्रोसेसेस वो होगी जो पेशेंट निकाल सकता है, डाल सकता है। तो इसके अंदर भी 1, 2, 3, तो RP1 क्या होगा, RP1 है कंप्लीटली इम्प्लांट सपोर्टेड है। देखिए इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांट पे सपोर्ट है, इसमें पेशेंट निकाल सकता है, हमारा जो ओवर डेंचर है वो कंप्लीटली जो है इम्प्लांट सपोर्टेड है। इसमें इसने डेंचर से या सॉफ्ट टिश्यू से कोई सपोर्ट नहीं लिया डेंचर में। ठीक है, ये जो होगा या तो ये बार से अटैच हो सकता है या फिर हमारा कोई अटैचमेंट से अटैच हो सकता है। ठीक है, RP2 की अगर आप बात करेंगे तो जैसे इसके अंदर था पहले क्राउन था, इसमें भी सिर्फ इम्प्लांट सपोर्टेड है, इसके अंदर क्या है, RP2 में इम्प्लांट सपोर्टेड भी है प्लस सॉफ्ट टिश्यू से भी सपोर्ट ले रहा है। जो बड़े बड़े फ्लैंज वाले आप रिमूवेबल डेंचर देखेंगे, एंड में वीडियो के एंड में मैं FP3 और RP2 की जो है एक पिक्चर डालूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसमें सॉफ्ट टिश्यू से भी हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं, जो हमारा डेंचर बेस है वो सॉफ्ट टिश्यू पे भी आएगा, इम्प्लांट सपोर्टेड जो ओवर डेंचर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर या तो आप दो इम्प्लांट डाल सकते हैं, दो इम्प्लांट में, दो कैनाल रीजन में इम्प्लांट डाल के, और बीच में आप बार अटैच कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लिंट कर सकते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट इम्प्लांट डाल सकते हैं अटैचमेंट डाल के। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए, ओवर डेंचर जो होता है हमारे लोकेटर वाले होते हैं। ठीक है, या फिर आप तीन इम्प्लांट डाल सकते हैं, तीन इम्प्लांट, दो प्रीमोलर में और एक आप बीच में इम्प्लांट डाल के और बार से अटैच कर सकते हैं, या फिर आप चार इम्प्लांट डाल सकते हैं, चार इम्प्लांट डाल के, और फिर क्या है, आप कैंटिलीवर डाल सकते हैं, तो फिर आप प्रोसेसेस दे सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, हमारा रिमूवेबल हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारी खत्म होती है क्लासिफिकेशन इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोसेसेस की। हम इम्प्लांट सपोर्टेड कैसी प्रोसेसेस देंगे, अब आपको ये पता चल गया। तो अगर आप सिंगल, आपका सिंगल इम्प्लांट है, आप उसमें प्रोसेसेस दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, FP1 प्रोसेसेस है हमारा। अगर आप दो इम्प्लांट दे रहे हैं, दोनों पे आप या तो लोकेटर डाल रहे हैं और पूरा का पूरा लंबा डेंचर बेस बना रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं हमारा RP2 जो है वो प्रोसेसेस है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओवर डेंचर की मूवमेंट्स।
देखिए ओवर डेंचर की मूवमेंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ओवर डेंचर की मूवमेंट समझ में नहीं आएगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोग ओवर डेंचर की जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कौन से कितने इम्प्लांट डालने हैं, उस पर कौन सी टाइप की प्रोस्थेसिस लगानी है, तो कौन से टाइप की प्रोस्थेसिस लगानी है उसके लिए जानना जरूरी है पहले मूवमेंट्स होती क्या है। तो देखिए मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो कौन कौन सी मूवमेंट होगी हमारी, या तो हमारी होगी ऑक्लूजल मूवमेंट या फिर हमारी होगी जिंजाइवल मूवमेंट, ठीक है। प्रोस्थेसिस की मूवमेंट की बात हो रही है, ये प्रोस्थेसिस किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो या तो ऊपर निकल के आ सकता है, जैसे कि हम लोग किस में बात करते हैं, जैसे कि हमारा जो है ओवर डेंचर आरपी जो रिमूवेबल प्रोस्थेसिस था उसके अंदर क्या है, बाहर निकल के आ सकता है, तो ऑक्लूजल हो सकता है, जिंजाइवल हो सकता है, फिर हमारा क्या है फेशियल हो सकता है मूवमेंट, फिर हमारा क्या है लिंगुअल मूवमेंट हो सकता है, या फिर हमारा मीजियल हो सकता है या हमारा डिस्टल हो सकता है। तो ये जो है छह मूवमेंट्स हैं, मिश जो है काल ई मिश जो है उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि ओवर डेंचर जो है हमारा ओडी वो मूव कर सकता है सिक्स डायरेक्शन में। ओवर डेंचर की प्रोस्थेसिस की मूवमेंट है ये, ना कि अटैचमेंट की मूवमेंट है। देखिए ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, हमारी अटैचमेंट मूव नहीं करिए, इसमें हम लोग अटैचमेंट की बात करेंगे, लेकिन डेंचर किस, एक कोई अटैचमेंट डाली फिर डेंचर किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मुंह के अंदर रहे रहे माउथ में रहे रहे जो है ओवर डेंचर किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे ओवर डेंचर की मूवमेंट्स के अंदर। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर क्या है, ओवर डेंचर की यानी प्रोस्थेसिस की मूवमेंट है ना बेसिकली ये, तो इसीलिए ये क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है पीएम प्रोस्थेसिस मूवमेंट वन का क्या मतलब होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, ऑक्लूजल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, यानी ऑक्लूजल या तो डल सकता है या निकल सकता है, ठीक है। ये किस केस में होता है, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में लिख देती हूं यहाँ पे, ये किस केस में होता है, ये हमारा होता है अगर ओ रिंग हमारा अटैच्ड है बार के साथ, अटैच्ड टू बार। ये क्या मतलब, ओ रिंग होता है मेरा, ओ रिंग का मतलब है गोल सर्कल। अब जो गोल सर्कल है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अगर आप सिंगल ओ रिंग अटैचमेंट की बात करोगे तो वो छह की छह मूवमेंट करवाता है, वो पूरी सारी डायरेक्शन में यूनिवर्सल मूवमेंट करवाता है। लेकिन अगर आपने इसको बार से अटैच कर दिया है, इस रिंग को जो कि हर डायरेक्शन में मूव कर सकती थी, इसको मान लीजिए आपने फोर चार बार से अटैच कर दिया, ठीक है, अब ये कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता, ये एकदम फिक्स हो गया। तो ये जो डेंचर जो है रिजिड एकदम डिजायर्ड जो है आपके प्लेस में बिल्कुल एकदम फिक्स हो गया है, तो ये अटैचमेंट क्या होगी, सिर्फ ऑक्लूजल में निकल सकती है और ऑक्लूजल में डल सकती है, तो ये मेरी क्या होगी है पीएम वन होगी, है ये मेरी सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। पीएम टू की बात करोगे तो क्या है, दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, दो डायरेक्शन में मूवमेंट किस चीज की होती है, हमारे डोर की होती है, हिंज मूवमेंट। अगर आप बात करेंगे तो हिंज मूवमेंट जो होती है वो हमारी जैसे डोर की मूवमेंट होती है। अगर आप इस मूवमेंट की बात करोगे तो हेदर जो हमारा बार और क्लिप्स है, हेदर बार एंड क्लिप्स जो है हमारे, वो जो है वो हिंज मूवमेंट करवाते हैं। तो अगर आपको इसकी हिंज मूवमेंट की फोटोज, सॉरी हैदर बार और हैदर क्लिप्स जो है उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कैसा दिखता है, देखिए हैदर बार जो है ना वो पतला सा बार है, ठीक है, वो सिर्फ ऐसी ही मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। तो ये क्या करवा रहा है, सिर्फ हिंज मूवमेंट करवा रहा है। तो अगर आपको इसकी फोटो देख, अगर ये हैदर बार जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, जब हम लोग हैदर बार परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये प्रोस्थेसिस की रोटेशन जो है हिंज मूवमेंट में करवाएगा। हैदर बार की अगर आपको फोटो देखनी है तो मैं नीचे लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगर आप बात करते हो थ्री की, अगर आप बात करते हो थ्री की, तो थ्री के अंदर क्या है, हिंज तो हो ही हो रही है, हिंज प्लस वर्टिकल भी हो रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डोल्डर बार है, इसके अंदर क्या है, डोल्डर बार है। तो अगर आपको दोनों में कंफ्यूजन हो रही है तो हेडर हमेशा ऊपर आता है, तो जो है हेडर जो है हिंज मूवमेंट करवा रहा है, एच से एच फॉर हिंज, एच फॉर हेडर बार, ठीक है। तो हिंज प्लस वर्टिकल क्या है, हमारा डोल्डर बार करा रहा है। अगेन हमारा सेम जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है कि अगर आपको डोल्डर बार और डोल्डर क्लिप के बारे में अच्छे से जानना है, उसके डिटेल्ड उसकी वो चाहिए, तो आप लिंक में क्लिक कीजिए। तो अगर आप फोर की बात करते हैं, पीएम फोर जो है हमारा फोर डायरेक्शन मूवमेंट हम लोग ओवर डेंचर में बहुत कम देते हैं, नहीं के बराबर देते हैं। पीएम फाइव की बात अगर आप करते हो तो ओवर
ओवर डेंचर जो है उसमें सारी की सारी मूवमेंट हो रही है, एक बचेगी है ना फाइव में, क्योंकि सिक्स मूवमेंट्स पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी मूवमेंट पढ़ी थी, और इसके अंदर क्या है हमारी ऑक्लूजल होगी, फेशियल होगी, लिंगुअल होगी, मेसियल होगी, डिस्टल होगी, रह कौन सी गई है हमारी, जिंजाइवल रह गई है। देखिए यानी कि जिंजाइवल मूवमेंट जो है नहीं हो रही है इस केस में पीएम फाइव में, तो यानी कि हमारी प्रोस्थेसिस जो है वो जिंजाइवा की तरफ पुश नहीं हो रही है। तो ओरिंग में तो जिंजाइवा की तरफ पुश होता है क्योंकि उसमें कुशन होता है, तो कौन सी अटैचमेंट ऐसी है जिसके अंदर हमारी जिंजाइवल मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो हमारा होता है मैग्नेटिक सिस्टम जो है, मैग्नेटिक अटैचमेंट सिस्टम जो है, उसके अंदर क्या है सारी मूवमेंट हो रही है लेकिन सिर्फ हमारी जिंजाइवल मूवमेंट नहीं हो रही है। अगर आप बात करते हो सिक्स की, तो पीएम सिक्स के अंदर क्या है, प्रोस्थेसिस मूवमेंट सिक्स में मतलब सारी की सारी डायरेक्शन में हो रही है, ऑल द डायरेक्शंस के अंदर हो रही है, इसके अंदर हमारा कौन सा सिस्टम आता है, ओरिंग सिस्टम आता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अगर आपको अगेन ओरिंग अटैचमेंट के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है तो लिंक में, सेम लिंक है तीनों अटैचमेंट्स के लिए, आपको तीनों की उसमें फोटो दिख जाएगी। अब देखिए चीटिंग करने के लिए ये सब लिंक मत यूज कीजिए, पढ़ने के लिए ये सब लिंक यूज कीजिए, ठीक है। या फिर हम लोग बात करते हैं एरा अटैचमेंट जो है, ठीक है। अगर आप, ये तो खत्म हुआ हमारा ओवरडेंचर की मूवमेंट्स, अब आपको ये पता चल गया है कि कौन से टाइप की अटैचमेंट देने से डेंचर कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने ओवरडेंचर के लिए कितने इम्प्लांट हमने लगाने हैं, कितने इम्प्लांट देने हैं, कैसी टाइप की रिज में हमारे कितने इम्प्लांट लगेंगे। देखिए बहुत इजी है, अब जो अटैचमेंट आपने लगा दिया, एक पार्ट जो होता है फीम, एक पार्ट जो होता है वो डेंचर के अंदर जाता है, एक पार्ट अटैचमेंट का जो होता है वो हमारा इम्प्लांट के ऊपर जाता है ना। तो जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट जो है, फीमेल के अंदर क्या होता है, होल होता है, हाँ, तो फीमेल पार्ट जो कि फीमेल है माँ, तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स हो गया। मेल पार्ट जिसमें क्या होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, तो यानी कि जो उभरा हुआ पार्ट रहेगा, जैसे कि ये मेरी अटैचमेंट लगी हुई है, ये निकला हुआ पार्ट है, बाहर निकला हुआ जो पार्ट रहेगा वो किसके अंदर होता है, वो मेल्स के अंदर होता है, तो वो क्या हो गया, पा हो गया, पैट्रिक्स हो गया। तो फीमेल के जो पार्ट हो गया वो तो हमारा चला गया डेंचर के अंदर, और जो मेल पार्ट हो गया वो हमारा किस पे रह गया, वो हमारे इम्प्लांट के ऊपर रह गया। तो अगर प्रोस्थेसिस ऑप्शंस की बात करते हो कंप्लीट डेंचर में, तो तीन तरीके के हम लोग प्रोस्थेसिस दे सकते हैं। या तो हम देखिए प्रोस्थेसिस दे सकते हैं कन्वेंशनल सीडी, एक नॉर्मल हम लोग क्या है जो कन्वेंशनल सीडी देते हैं, जो हमारा क्या है रिज सपोर्टेड ओवर, जो रिज सपोर्टेड डेंचर है, या फिर हम दे सकते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर। तो हमारा क्या है, इम्प्लांट जो है रिटेन्ड है डेंचर के साथ, जो कि क्या है मेरा रिमूवेबल है, जो कि क्या है मेरा रिमूवेबल प्रोस्थेसिस है। थर्ड हो सकता है इम्प्लांट सपोर्टेड फुल आर्च फिक्स्ड प्रोस्थेसिस, जिसके अंदर क्या है वो इम्प्लांट सपोर्टेड ही है लेकिन हमने क्या किया उसको फिक्स कर दिया है, वो पेशेंट निकाल नहीं सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इम्प्लांट सपोर्टेड फुल आर्च जो हमारी प्रोस्थेसिस है उसके क्या प्रोज है, उसके क्या कॉन्स है, और जो हमारा रिमूवेबल है किस केस में हम लोग फिक्स्ड देंगे, किस केस में हम लोग रिमूवेबल देंगे, क्यों हम हर केस में फिक्स नहीं दे सकते, क्यों हम हर केस में रिमूवेबल नहीं दे सकते। तो इसके साथ जो है हमारा ओवरडेंचर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैंडिबुलर ओवरडेंचर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे लोग भी ये नॉलेज गेन कर सके। और देखते रहिए डेंटल पाठशाला।